सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में यदि आप भी कंप्यूटर में 10 में से 10 नंबर लेकर आना चाहते हो तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। नंबर एक, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंतर्गत आपके 38 शिफ्ट में आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। इन 38 पेपर में आपके जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे सभी को एक्स्ट्रा फैक्चुअल डिटेल के साथ कवर कर लीजिएगा। मैं आपके 38 सेट कंप्लीट करा चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इनसे बाहर आपका क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता है बच्चों, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नंबर दो, आपको क्या करना है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 के अंतर्गत आपके 24 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे। TCS कंपनी के न्यू पैटर्न पर जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं 2022 में हेड कांस्टेबल में लगातार वही पूछे गए थे, क्योंकि हेड कांस्टेबल का जो कंप्यूटर का लेवल है आपका कांस्टेबल वाले एग्जाम से थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन आए थे थ्योरेटिकल। आप 38 सेट ये कवर कर लीजिएगा, 24 सेट ये कवर कर लीजिएगा। मैं लगातार आपको सेट कवर करा रहा हूं। जो स्टूडेंट मेरी कंप्यूटर की क्लास लगातार देखते आ रहे हैं उनको सभी टॉपिक उनके माइंड में सेट हो चुके होंगे और 10 में से 10 नंबर लाना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज का हमारा पेपर है सेट नंबर 14, 17/10/2022 हेड कांस्टेबल शिफ्ट सेकंड में पूछे गए 10 सवाल। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, एमएस वर्ड 2010 में पे डाउन की का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्सर को एक स्क्रीन नीचे ले जाने के लिए किया जाता है। एक आता है क्वेश्चन पेज अप का, एक क्वेश्चन आता है आपका पेज डाउन का। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। यदि हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस पेज का प्रयोग कर्सर को ना अगले पेज के शीर्ष पर ले जाने के लिए किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है, इसका आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, अव्यवस्थित प्राप्तकर्ता सूची में अधिक संख्या में भेजे गए अयाचित और अवांछित जंक ईमेल को खाली स्थान फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। कौन से फोल्डर में संग्रहित किया जाता है? बच्चों में समय ज्यादा वेस्ट नहीं करने का आपका, ठीक है। लगभग 6 से 7 मिनट की क्लास बना रहा हूं मैं, क्योंकि कम समय में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कराना मेरा पर्पज रहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्पैम में जाते हैं जी सभी। कौन से में जाते हैं? स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3, एमएस एक्सेल 2010 में निम्न में से क्या एक फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सम। क्या है जी आपका? ऑप्शन नंबर 4, सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सी एक गलत डिक्लेरेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी गलत डिक्लेरेशन है बच्चों आपका, ऑप्शन नंबर 2, टाइम वैल्यू वेनसडे सेप्टेम्बर 7, 2022, 6:35 AM, ये आपका गलत है बच्चों। इसमें है ना स्टार्टिंग में ऐसे एरो, इसमें कोमा लगा के ही डेट एंड टाइम लिखा जाता है, इतना पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, HTML के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। HTML को डाटा स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ये आपका गलत है, ट्रांसपोर्ट तो करता ही नहीं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है फुल फॉर्म HTML की, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछा गया है। क्यों, क्या कह रहे हैं, सभी HTML डॉक्यूमेंट टाइप declaration.html के साथ शुरू होने चाहिए। और क्या कह रहा है बच्चों, HTML वेब पेजों के मानक मार्कअप लैंग्वेज है, इनमें से कौन सा कथन आपका सही आपका है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पी और क्या हूं मैं, पी क्या हूं आर में बच्चों तीन बातें लिखी गई है, उनमें से कौन सी सही है कौन सी नहीं है, निष्कर्ष के हिसाब से आपको क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का राइट आंसर हो जाएगा केवल क्यू और आर, केवल क्यू और आर का आर सही हो जाएगा। क्यू है बच्चों, इसमें यहां पर क्यू छूटा हुआ है, क्यू और आर आपका राइट हो जाएगा। क्यों मतलब सभी HTML डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन के साथ शुरू होते हैं, बिल्कुल सही है। HTML वेब पेजों के मानक मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें से कौन मार्कअप लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है ये। जबकि आपका HTML को डाटा स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया, ये आपका गलत है। ये आपका डाटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसे डिजाइन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं बच्चों XML, आपने पता, आपको पता भी होगा XML। XML की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। XML को डेटा ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। फर्स्ट आपका इसमें गलत हो जाएगा, जबकि ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एमएस वर्ड 2010 में समान टेक्स्ट को फिर से टाइप करने के बजाय हम समय और मेहनत को कम करने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी को पता है क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी करते हैं, जहां यूज करना होता है वहां पेस्ट करते हैं। कॉपी करने के बाद कंटेंट हमारा क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता है और जहां पर हमें उसकी आवश्यकता होती है वहां पर उसे पेस्ट कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, एमएस वर्ड 2010 में एक पैराग्राफ या खंड के आरंभ में सजावटी अवयव के रूप में उपयोग किए जाने वाले बड़े कैपिटल लेटर को बनाना खाली स्थान को संदर्भित करता है, क्या कहलाता है वो? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा आपका ड्रॉप कैप। आपने इंग्लिश के न्यूज पेपर देखे होंगे, मान लिया कहीं द लिखा हुआ, ऐसे लिखा रहता है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया या कुछ भी आपका पैराग्राफ है उसमें बड़ा कैपिटल लेटर में लिखा रहता है, बड़ा थोड़ा ऊपर हो, इसे क्या बोलते हैं? ड्रॉप कैप बोलते हैं, जो कि इंग्लिश के न्यूज पेपर में मैक्सिमम यूज किया जाता है। ड्रॉप कैप का आकार ना आमतौर पर दो या दो से अधिक पंक्तियों को होना चाहिए, इतना भी पता होना चाहिए। हम ड्रॉप कैप का आकार और फॉन्ट बदल सकते हैं, अपने हिसाब से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, वेब ब्राउजर में वर्तमान पेज से पिछले पेज पर जाने के लिए निम्नलिखित कौन सी कमांड की सहायता लेते हैं या यूज करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बैक। ब्राउजर में ना एक बैक बटन हमें उस पंक्ति या उस पृष्ठ या उस पंक्ति का बैकअप करने देता है जिसे हमने पहले देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जब एमएस एक्सेल 2010 की वर्कशीट में सेल के कंटेंट को एडिट किया जा रहा हो तो सेल नंबर खाली स्थान में प्रदर्शित हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसमें हो रहा होता है बच्चों? ऑप्शन नंबर 4, नेम बॉक्स में हो रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ना जो नाम बॉक्स होता है, नेम बॉक्स होता है, उस सेल को प्रदर्शित करता है जो वर्तमान में स्प्रेडशीट में सेलेक्ट होता है। यदि सेलेक्ट सेल के लिए ना कोई नाम परिभाषित किया गया होता है तो नाम बॉक्स में सेल का नाम प्रदर्शित होता है। जब हम सेल के एक ब्लॉक का चयन करते हैं ना तो नेम बॉक्स में सेल जो सेल के सेलेक्टेड समूह होते हैं तो वो पहले सेल की पहचान करेगा, इतना भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एमएस एक्सेल 2010 की पांचवी रो और पांचवें कॉलम के परिच्छेद इंटरसेक्शन पर सेल का एड्रेस क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 5E। आज की क्लास हमारी यहां समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।